ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवरदनं रुवारकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ नमः शिवाय। आज सोमवती अमावस्या है और 14 तारीख दिसंबर की है। सोमवार को अमावस्या का पढ़ना डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज को और बढ़ावा देता है। कोरोना से हमारी जान छुटी है, यानी ये कह लीजिए कि 23 सितंबर से 23 दिसंबर तक हमारी भविष्यवाणी थी कि कोरोना से हमारी जान धीरे धीरे छूट जाएगी और वैक्सीन निकल आएगा। अभी तक जान छूटी नहीं कह लीजिए, मगर डेफिनेटली उसके कोई ना कोई पर्याय, कोई ना कोई उपाय निकल रहे हैं। आज अमावस्या के दिन 12 राशियों को क्या करना चाहिए और ये पूरे अगले 3 दिन तक, चतुर्थी तक अमावस्या का जो मुहूर्त रहता है, जब चंद्रमा चौथे दिन दिखाई देते हैं, उससे पहले पहले आप ये उपाय कर सकते हैं और आपके 12 राशियों के ये सप्ताह जो है वो कैसा रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की जामिन आपने नहीं देनी। डोंट गिव योर विटनेस। अपनी सेहत का ध्यान रखें। 10वें घर के ऊपर आपके गुरु और शनि जो है विराजमान है, तो कर्म स्थान पर जो है अपने धंधे का, अपने व्यापार का, अपने कर्म का ध्यान रखें, अच्छे काम करें और हो सके तो सोमवार के दिन भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर दूध और दही का अभिषेक करें। अगली राशि के ऊपर बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके 9वें घर में गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है और गुरु और शनि की युति बनी हुई है। शनि देव जो हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हुए मकर राशि में आपका भाग्य चमका सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए आपको कोई अनायास लाभ मिल सकता है, भाग्य में उन्नति हो सकती है। तो क्या करें, शनिवार वाले दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं और सोमवार, यानी सोमवती अमावस्या है आज, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3ों दिन वृषभ राशि वाले भोलेनाथ की आराधना करें। ओम नमो शिवाय। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु और शनि जो है धन स्थान को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको धन के लाभ बनते हुए दिखाई देते हैं। विदेश जाने को आज के दिन आप डेफिन कुछ ना कुछ वर्जित है अभी भी, पर तब भी आप कोशिश करेंगे और आपका काम जो है कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिखाई देता है। किसी अप्रिय घटना का तब जाकर कहीं ना कहीं न्यूज मिलेगा जब आप गलती करेंगे, यानी किसी भी अनैतिक संबंधों में मत पड़े। तो मिथुन राशि वालों से अनुरोध है कि भोलेनाथ की आराधना करें और हो सके तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पिंडी के ऊपर दूध दही और मद का अभिषेक करें, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों से अनुरोध है कि अपने भोलेपन का आभास मत होने दें किसी को, नहीं तो कोई ना कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। आपकी नेचर बहुत ही अच्छी है, मगर क्षण भर में आप आग बबूला हो जाते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, दिन अच्छे आ रहे हैं और आपको तो चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव की पूजा करनी ही चाहिए, दूध दही मद उससे अभिषेक करना चाहिए और हो सके तो इसी सप्ताह यानी सोमवती अमावस्या के दिन ही शमशान मर्जा कर एक दिया जलाएं, उससे भी लाभ मिलेगा। 5वीं राशि की बात करते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि के हेल्थ हाउस में गुरु और शुक्र शनि की युति बनी हुई है, वातावरण उत्तम है, मगर ओवर ईटिंग, ड्रिंक्स, व्यसन, सिगरेट उससे बचें, नहीं तो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता हुआ दिखाई देता है।
ओवर थिंकिंग, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भय आपको सता रहा है कि मैं बीमार हूं, मगर आप बीमार नहीं है। प्राणायाम करें, उससे लाभ मिलेगा। और शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाएं, और हो सके तो किसी गरीब को हर शनिवार के दिन भोजन कराएं अगले 7 शनिवार। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि की। पांचवें घर में शनि और गुरु की युति बच्चों की तरफ से कोई लाभ के योग बनाती हुई दिखाई देती है। बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, उसको एडमिशन मिलती हुई दिखाई देती है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, उसका इलाज निकलता हुआ दिखाई देता है। पत्नी और कुटुंब का ध्यान रखें, भोलेनाथ की आराधना करें, और हो सके तो हनुमान चालीसा अगले 7 दिन लगातार पढ़ें। ये थी 6 राशियां। आगे बढ़ते हुए हम 6 राशियां और आपको पार्ट 2 में दिखाते हैं।